सो गाइस, फाइनली यहाँ पे मेरे पास एक मिडल है एंड सभी फ़ोनों में मिडल ज़रूर होता है। तो यहाँ पर ये टेक्नो फ़ोन का मिडल है। ये फ़ोन जो है पूरा शुरू से लास्ट तक बनाना है, इसकी सारी चीज़ें डालनी हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये अगर आप जब भी न्यू मिडल ले रहे हैं तो उसको इस तरीके से ज़रूर देखना है कि ये बिल्कुल सीधा है या नहीं। अगर ज़रा सा भी आपको लग रहा है टेढ़ा है तो आप उसे यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर डिस्प्ले जो है वो बराबर नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पर टेक्नो का ये मिडल है एंड EK5 मॉडल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्लू मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ, सिर्फ एक लेयर लगानी है, इसके ऊपर दोबारा नहीं लगाना, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो सही नहीं रहेगा। तो इस ग्लू के बारे में मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो छेद आ गया मेरे को लगाते लगाते, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे के पास। तो वहाँ पर हमारा जो है सेंसर लगा होता है एंड अगर आप उसके ऊपर भी ग्लू लगा देते हैं तो डिस्प्ले में इशू नहीं आएगा, बट कॉलिंग के दौरान इशू आएगा। यहाँ पर जब भी आप कॉल करेंगे तो डिस्प्ले लाइट बंद हो जाएगी, मतलब आप देख नहीं पाएंगे कि आपकी कॉल कट गई है चल रही है। तो आपको सेंसर की जगह बचाकर ग्लू लगाना है, ऐसा मैंने कई वीडियोस में बोला है, समझाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये ग्लू लगा दिया है एंड अब मैं इसे लगाऊंगा। एंड दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। दोस्तों आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं बहुत ही आसान तरीके से ये सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। एंड सब्सक्राइब करके आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन होता है आप वो भी ऑल पे सेट कर दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डायमंड क्वालिटी। एंड दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत रिपेयर करके दिखाता हूँ, जैसे स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ हेडफोन्स। एंड दोस्तों मैं अपने चैनल पे किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं करता, जो चीज़ लाता हूँ रिपेयर करता हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मैं इसमें रबड़ लगाऊंगा एंड देखते हैं मैं कितने रबड़ लगाता हूँ, वीडियो के लास्ट में ज़रूर आपको दिखा दूँगा। दोस्तों 9-10 रबड़ मैं लगाता हूँ ताकि हमारी डिस्प्ले चारों तरफ से अच्छे से लग जाए, कहीं पे उठा ना हो, कहीं पे छूटा ना हो। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा रबड़ बिल्कुल नहीं लगाना, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो डिस्प्ले बैंड होगी एंड बैंड होगी तो डिस्प्ले ब्रेक हो सकती है या उसका टच जो है वो भी ख़राब हो सकता है। तो ध्यान से जितना मैंने लगाया इतना काफ़ी है एंड इस रबड़ को हम 4-5 घंटे बाद उतारेंगे ताकि ये प्रॉपरली सूख के अच्छे से हो जाए। एंड यहाँ पर जो मैंने जो ग्लू लगाया है वो जो एक्स्ट्रा ग्लू जो किनारे किनारे से निकल रहा है उसे हम साफ़ कर लेंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारा रबड़ कुछ इस तरीके से लगकर तैयार हो गया एंड 4 घंटे बाद ये रेडी हो जाएगा, बाकी चीज़ें इसमें लगाकर हम इसे पैक कर लेंगे। तो यहाँ पर 3-4 घंटे तक ये सूखने के बाद ही वो सारी चीज़ें लगाएं जो आप लगाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं। तो मैं मिलूँगा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।